अमेजिंग एक्सपीरियंस और पहली बार इस सेट पर हम आए हैं और बरेली की बर्फी की लैंग्वेज जो है जो आप बोल रही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर बहुत मजा आया यहाँ पर आकर भाषा तो हमारी सेम है और सेट भी बहुत सुंदर है और बहुत मजा है इन दोनों के साथ सीन करके एंड ये मेरी फ्रेंड बनी है या हमें भी बहुत मजा आया आई थिंक इट वाज अ वेलकम चेंज यार क्योंकि काफी दिनों से हमने कुछ ऐसा एक साल हो गया शो को कुछ ऐसा नहीं किया था सो दे आर फर्स्ट गेस्ट ऑन द सेट इट इज अमेजिंग सच डाउन टू सर इज सो अमेजिंग इतना अमेजिंग सर हमारी फिल्म के अंदर भी नहीं है हमारी फिल्म बरेली की है तो महल हो जाएगा अश्वन यू बताइए जर्नी विद टेलीविजन सो हाउ वाज इट कमिंग बैक टू टीवी ऑफ कोर्स ये फिक्शन शो में इंटीग्रेशन के लिए पहली बार आया हूँ फिल्म के लिए मैं नॉन फिक्शन शोज में काफ़ी बार गए डांस प्लस में गए हम स्टार के लिए और इट्स अगेन आई स्टार्टेड एज अ फिक्शन एक्टर ऑन टेलीविजन सिक्स मंथ्स के लिए मैंने फिक्शन शोज किए थे तो आई थिंक 2007-8 के बाद 10 साल बाद मैं टीवी शो पर आया हूँ तभी वो कह रहे थे कि मल्टी कैमरा सेटअप यार कैसे करना है आजकल का बात कीजिए बर्फी की बरेली की बर्फी लेकिन यहाँ पे हमारे तीन बर्फियाँ सामने हैं एकदम स्वीट सी बर्फी है अगर इनका कुछ नाम अगर डिसाइड करना चाहें बर्फी से तो क्या होगा नाम आई थिंक काजू की बर्फी एंड दिस इज नारियल की बर्फी ये बरेली की बर्फी और मैम आयुष्मान कितना मिस करते हैं आप टीवी को अगर जब आते टीवी पर आपको उसकी जो पहले का टाइम था बहुत चेंज हो चुका है के लिए एक एक्टर के लिए परफॉर्मर के लिए कोई भी मीडियम सब सेम ही होता है आप कर तो वही काम रहे हैं चाहे एक्टिंग कर रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं या फिर एंकरिंग कर रहे हैं या स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं आई थिंक एज अ परफॉर्मर आप कहीं पर भी कुछ कर सकते हैं आई थिंक उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो आई थिंक एज अ परफॉर्मर आप माध्यम चेंज होते रहते हैं बट आपको उतना ही मज़ा आता है करने में बात की शादी का माहौल है इनके यहाँ भी शादी ही हो रही है तो क्या विश देना चाहेंगे आप इन लोगों के क्या विश देना चाहेंगे मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट सिनेरियो मेरी शादी हो रही है मेरी शादी हो रही है लेकिन से नहीं हो रही है आप ज्यादा खुश नहीं हैं मेरी शादी करना देखिए आप अगर खुश नहीं है तो आप जरूर प्लीज हमारी फिल्म देखने चाहिए आई थिंक हमारी फिल्म देख के आपको बहुत खुशी हो सकता है मन करेगा शादी करने का हो सकता है लेकिन खुश जरूर हो जाए हो सकता है तुम्हारा जिससे शादी करने का मन है वो हो जाए मैं अपने एक्स पति से ही शादी करना चाह रही हूँ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्स पति से शादी करना चाह रही हूँ पर मैं एक्स पति किसी और के साथ मेरी शादी कॉम्प्लिकेटेड ही होता है हमारी फिल्म में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सही हो जाता है ना आप उधर ही क्यों पॉइंट कर रही है अच्छा आप तीनों में से सबसे बड़ा इश्कबाज कौन है सबसे बड़ा इश्कबाज इनकी तो शादी हो गई यही होंगे बल्कि शायद ये नहीं होंगे आर यू सेइंग दैट यू आर नॉट रोमांटिक आई एम ऑफ कोर्स बट मल्टीपल रोमांस नहीं होते लाइफ में इसकी सिंगिंग सॉन्ग्स इश्कबाज डजंट मीन बट इश्कबाज कुछ हो सकता है कुड बी अ फ्लर्ट आल्सो रोमांटिक अच्छा ठीक है मैं हूं अच्छा आई वांट टू आस्क डू यू एक्चुअली आप पोएट्री करते हैं रियल लाइफ में भी या सिर्फ आपका कैरेक्टर है जो नहीं कैरेक्टर है ज्यादा करता है वो बहुत ही पुअर सी बहुत ही अजीब सी पोयम लिखता है अच्छा वर्ड है फूड आई कैन यूज दिस मैं थोड़ा बहुत दिखता हूं पर इतना कुछ नहीं जितना इतना कुछ नहीं इतना वो लिखता है इंटरेस्टिंग कुछ हो जाए या कोई पोयम अगर आपको याद कोई दोबारा बता दो सेम रिपीट ऑर्डर हमने जो ऐसे इसमें बोली है इरशाद कामिल हो जाओ प्रीतम विद्रोही ने लिखी थी कविता एक प्रीत की रीत में ऐसो उलझो खोल सको ना कोई प्रीत की रीत में बस उलझन है कह प्रीतम विद्रोही क्या बात इस व्यर्थ का अर्थ भी समझा दो दैट्स इट थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस